अस्सलाम वालेकुम वला दोबारा, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। शादी ते आ गई, चलो माशाल्लाह। ये भी जी जिताम है बेचारे, इनको भी तो संभालना पड़ता है। अंदर कौन सो रहा है? मामू डॉक्टर भाई। अच्छा। एक दो तीन चार कारीगर लगे हुए हैं, देखते हैं कि आज इस कूलर का क्या होता है, कूलर पंखे का। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है, मजे में है माशाल्लाह। तो चेक करें जी, मेरा शहजादा भी इधर हाजिर नाजिर हो चुका है। आप किसके साथ आए हो? पता नहीं है इसको। ये चाचू असलम के साथ आया है और अभी बोल रहा है कि पता नहीं है। कार पे आए हो चाचू असलम के साथ? अम्मी आई है? अम्मी किधर है मुझे ये बताओ। हैं सुन है, अम्मी किधर है? किधर? वो तुम्हारी नानी अम्मा के घर। अच्छा इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। सफ़र कैसा रहा? हैं सफ़र कैसा रहा? हैं जी अच्छा रहा। विवर आते ही देखे नाना जान के पास गया, चीज़ ही ले ली, अभी खा पी रहा है। वकार कहाँ गया? खेल रहा है। अच्छा वो ये क्या है, ये क्या है? हाँ सदीर ये क्या है? तोते। हाँ वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वीवर तो ये आ चुके हैं शादी पे, और यहाँ पर जितनी भी शादियाँ हैं वो सारी हम अटेंड करेंगे। तो असलम भाई वाले माशाल्लाह पहुँच चुके हैं और अहमद भाई वाले भी तकरीबन पहुँचने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टूर व्लॉग है वह यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अभी चलते हैं उधर आमिर भाई के यहाँ, वहाँ पर देखते हैं कि उनकी मेहंदी की क्या तैयारियाँ हैं, क्या रस्म व रिवाज हैं, कैसे ढोल बजाते हैं, कैसे नहीं बजाते हैं, झूमर वगैरह वगैरह सब कुछ होगा, नत्थू भी होगा, साथ में खैरा भी होगा और माहौल बनेगा। ओके तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम सबसे मेरे चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद हम चलेंगे मज़ेदार वीडियो की जानेब, लेट्स गो। और वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। गला पहनते हैं यार, गला पहनते हैं। कैसे हो? तबीयत से ठीक है? हाँ जी। माशाल्लाह आ गए? हाँ जी। किसके साथ? अम्मी। अम्मी किसके साथ थी? चाचू के साथ। अच्छा कार पे आए हो? हाँ जी। गर्मी नहीं लगी? नहीं। वाह जी वाह, आप बड़ी किस्मत हो। एसी चलाया हुआ था? हाँ खैर, तेरी जिंदगी भी खैर है, तेरे मुझे तो सद कहती वहाँ। बच गया बकाया? दस रुपए बकाया बच गया है, बहुत शुक्रिया। क्या लिए हैं? दस रुपए के तुलतुले लिए हैं जी। तो वीवर अभी माशाल्लाह दोनों शहजादे पहुंच गए हैं, अब रौनक बहाल हो चुकी हैं। अब हम चलेंगे सीधा अपने फंक्शन की जानेब, लेट्स गो। वीवर माशाल्लाह, असलम भाई माशाल्लाह पहुंच चुके हैं और बैग वैग भी उन्होंने उठाए हुए हैं, ये मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। माशाल्लाह चेक करें उसके सींग, विलेज का प्योर माहौल, छपरियाँ देखें, वाह क्या ही बात है। इसलिए बोलते हैं कि गांव में ना बड़ा सुकून होता है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जुलो जुलो थके बदे उसो। वाह जी वाह, थ्री स्विच भी उठाया हुआ है। बड़ी देर लगा दी, चार पाँच बजने वाली है। आपको पता है आज मैंने बड़ी जल्दी की है, आपकी बेगम ने कहा मुझे जल्दी पहुँचाओ तो मैं मगरब तक पहुँच जाता। अच्छा ये है, इधर जब पहुँचे है ना तो गर्मी ने बता दिया है, अभी आज हवा चल रही है, कल का नहीं पूछो क्या अजाब तो था। इसीलिए मैं ना मगरब के टाइम आता, जब माहौल हो जाता, गाड़ी के एसी में रहते हैं सुकून से। ये क्या है? ये लीड है। अच्छा बंदोबस्त अपने पूरे करते हैं माशाल्लाह। चलो फिर चलो चलो रेस्ट लो। चलो चलो जाओ माशाल्लाह। तो वीवर ये सब हो गया ओके, और अभी चलते हैं अमर भाई के घर। आ आ
इतना मेहंदी का टाइम है, दातरी कटी तो वेंदी पी है। वाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। हो सही विलियन साहब, खैरियत है? या वो सही जमशेद दा पतरा, क्या हाल है? तबीयत या ठीक है? मोटा ने तिना कैसा खादा पीता करे, ज्वार शुआर है हैं? फीवर माशाल्लाह, इधर गर्मी की वजह से ना कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, बाकी हैं सही, बिल्कुल सेट है। अभी इधर पहले कैमरा बंद करते हैं, फिर इंट्रो। माशाल्लाह ढोल इधर आ चुका है। वाह जी वाह, वही हो सही शमल दा पतरा, क्या हाल है? ठीक है? वही हो सही सही दा पतरा, क्यों खेलता भाई? इस शक्ल से पता चल जाता है वो जमशेद का खड़ा है, ये सईद का है, वो भी सईद का है, ये देख ये असलम का है, वो जमशेद का जा रहा है, शक्लों से पता चल जाता है। माशाल्लाह, आप भी आ गई हो माशा, आपकी फैमिली बाकी? बाकी फैमिली कुछ बस ते उसन कोई कार ते जरे मौसन कार ते चेसी जरे कहना मौसन वो बस ते उसन सारे तू असलम नाला में सही सही तेरे बात है ऐसा करते आपे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। चाची चनन अस्सलाम वालेकुम, वला दोबारा, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह, शादी ते आ गई? चलो माशाल्लाह। ओ सही कमालिया कमालिया कमालिया, थोड़ा वजह की वर्दे थोड़ा जा चेक तक करा, आज नाराज ना थी नहीं ए तो वीवर माशाल्लाह इधर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बोला तेरे व्लॉग है तो मिल गया उसने के मेरे व्लॉग है ना, मिले सवेरे हां मुलाकात हुई थी, हुई थी ना, अब व्लॉग में नहीं हुई थी। अच्छा मैं सुना दादा तेरा क्या हाल है? वीवर माशाल्लाह, और इधर चेक करें यहाँ पर, यार हम आपको परनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इधर कबूतरों में लगे हुए हो। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, टाइम से इनको ढक दो, पानी वगैरह पिला दिया? चलो सही, ज़बरदस्त हो गया। वीवर ये भी जी जिताम हैं बेचारे, इनको भी तो संभालना पड़ता है। अंदर कौन सो रहा है? मामू डॉक्टर भाई। अच्छा अच्छा, चलो कितनी देर है आपने मेहंदी वेहंदी नहीं लगाई? आप नहीं लगाएंगे? वो यार हाँ हाँ, वो उस टाइम लगाते हैं, आज आज मेहंदी है। अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वीवर उधर ना ढोल वगैरह की आवाज़ चल रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ा इधर आते हैं क्योंकि गर्मी है और यहाँ पर जो आबो हवा है, आई मीन जो ठंडी ठंडी हवा है उसका माहौल। आगे नांग तो नहीं है यार, जब ऐसे परिंदे चिल्लाते हैं नांग होता है? इधर जराख थी, ओ सॉरी दराख थी, सारी कुछ सूख गई है, कुछ खा ली बच्चों ने ऐसे। ये है जी मेरे फादर इन ला, उनका ओ ओ ओ, अच्छा वो बैठा है, मेंढक मेंढक की आवाज़ होती है ऐसे। मैं आपको मज़ीद विज़िट कराता हूँ, ये अभी आप चेक करें कितना प्यारा माहौल। ओ खैर, ओ जी अब बदक सरकार केड़े केड़ो हाल हो, मजो लगो पियो, छापे करो इतने छापे करो। अच्छा नहा पे रहे हो? वीवर आगे बढ़ते हैं और इधर जो हवा लगती है ना, इधर मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से परिंदे चिल्ला रहे हैं, वो भी खजूर के ऊपर है या फिर नीचे भी नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। ये है जी हमारा गांव और न्यू न्यू पौधे आम के, और आगे चेक करें ये सारा, इधर ठंडी ठंडी हवाएं, खुली फिजाएं, एंजॉय का माहौल। वाह जी वाह, और जब लास्ट चक्कर में इधर आया था ना, तो उस टाइम इधर अंगूर
फुल लोड थे और अब भी बेचारे खत्म हो गए हैं। अभी देखे एक गुच्छा भी नहीं है कुछ, ऊपर के जो रह गए वो गिर गए, मतलब नीचे गिर गए, गिर सराय बोलते हैं गिर। क्या हो सकता है साथ इधर? अच्छा वो है, वो देखे वो खाता है ना परिंदों को, इस वजह से उसके पीछे सारे लगे हुए हैं। वो देखे ये बात है, मैंने कोई ना कोई चीज जरूर है जिसकी वजह से बेचारे चिल्ला। ओए अब क्या होगा हमारा? वो देख व्यूअर, वो सामने एक वाइट कलर का कुत्ता आ रहा है। अब क्या होगा? मेरी तो कांपे टांगना शुरू हो गई है। इस खजूर पे चढ़ना पड़ेगा। नहीं हाँ। वापस चलते हैं। चलो चलो, इंजॉय कर लिया इधर का माहौल सारा, विलेज का देख लिया और लोगों से मुलाकातें भी हो चुकी हैं, जो मेहमान पहुंच चुके हैं उनसे। और शहजाद भाई वालों ने यहाँ पर व्यूअर भिंडी काश्त की हुई है, ये देखे वहाँ तक ऐसे कुछ कुछ भिंडी है, तो ये अभी लगना भी स्टार्ट, ये भी है और कुछ उधर भी है। ताज़ी और फ्रेश भिंडी खाना मेरी फेवरेट गिज़ाओं में से एक है, तो जैसे यहाँ पर भिंडी वगैरह लगेगी ताज़ी भिंडी खाएंगे, मौज़े करेंगे मौज़े। बाकी चिकन गोफ्त ये सब चीज़ें हमारे मतलब से बाहर हैं, और वैसे डॉक्टर ने भी मना कर दिया, और वैसे भी इतना गर्मी में ये चीज़ें खाना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद जी शातूत इसको बोलते हैं, और ये है गुलाब का पौधा, प्योर गुलाब, और ये हो गई टाली। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ खजूर, वो लगी हुई है खजूरें भी, और माशाल्लाह ये खजूर अच्छी होती है, ये अभी है तो सब्ज, लेकिन आने वाले वक्त में ये पक जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जब ये चल रहा होता है इतना ठंडा पानी होता है, मैं बैकअप पे जो मेरी वीडियो पड़ी है उनमें आपने देखा होगा मैं इधर फ्रेश फ्रेश हुआ था कभी, ये काफ़ी ठंडा पानी देती है। मेहंदी चेक करें इधर, वाह जी वाह, और इसकी जो खुशबू है ना, ऐसे सांसों को जीने का सहारा मिल गया, ऐसी जालिम माशाल्लाह खुशबू है, जालिम बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ को। अच्छा जी तुरई वो खड़ी है वो, और सुबह मैंने आपको आम दिखाए थे, वैसे दूर से नज़ारा कराया था, अभी करीब का करा देता हूँ। इधर यार देखना भिंडी लगी हुई है, हाँ काफ़ी लगी है, तोड़ते जा रही है ये साथ साथ तोड़ते जा रहे हैं, ये देखें अभी पर ये लगी हुई है, ये देखें वाह जी वाह, ये मुझे लगता है आसिफ भाई की है, ये आसिफ की है। और इसके बाद जी आजकल जामुन का भी है मौसम, ऊपर बहुत लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि बहुत ऊपर है। इसके बाद मैं आपको लच्छे वाले आम दिखाता हूँ, लच्छे वाले आम, ये नीचे नीचे से तो बच्चे लोग तोड़ लेते हैं आमों को, जो ऊपर है ना लच्छे वो मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ेदार लटक रहे हैं ये चेक करें, ये वाह जी वाह, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, जिंदाबाद। ऐसे ये बड़ा मीठा आम है, चाहे कच्चा भी है ना तब भी बड़ा मीठा है, और ये हो गया जी लंगड़ा जो चल भी नहीं सकता, इसके ऊपर भी खड़े हैं ये देखें, कुछ कुछ ये खड़े हैं, कुछ कुछ वो खड़े हैं, सारा माहौल इधर भी यस बनाया हुआ है। तो कोई नहीं है जी, हम चल रहे हैं सीधा दोबारा फंक्शन की जानिब, और वहाँ का माहौल सारा देखते हैं, इधर का विज़िट हो गया, बाकी का कल परसों तरसों मरसों चरसों डरसों भरसों चल से सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम वेलकम, अस्सलामु अलैकुम, खैरियत है, खुश अस्सलामु अलैकुम, खैरियत है, खुश है, अल्लाह का शुक्र दुआ, 5 बजे का टाइम दिया था ना आपको, 5 बजे, माशाल्लाह अम्मी जान भी आ गई, अब्बू जान भी आ गए, सारे लोगों की तशरीफ आवरी हो चुकी है, शादी वाले घर पहुंच चुके हैं, और ये आप बहुत से पहले पहुंच गए,
मतलब दो दूल्हे हैं ना, एक मुंशी है और एक माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाना? ठीक हो? वो बड़ा है अभी तक, मुझे जहाँ तक लगता है इसका। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आ गए हो? जी हां माशाल्लाह। ठहरे बताओ, खैर है? ऐसी तो चढ़े आयो? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओयो जी, खैरियत है? खुश है? तबीयत ठीक है? अम्मी जान को दुआ सलाम करते हैं। तबीयत ठीक है? ठहरी बदे आज खैर है? माशाल्लाह वीवर, अब्बू जान वाले भी पहुंच चुके हैं। चलो जी खिदमत में जुट जाओ और बाकी मजीद जो बातें हैं इंशाल्लाह घर में चल के करेंगे। अभी फिलहाल इनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। ओके वीवर, माशाल्लाह इधर पहुंच चुके हैं और इधर एक दो तीन चार कारीगर लगे हुए हैं। देखते हैं कि आज इस कूलर का क्या होता है, कूलर पंखे का। अस्सलाम। वो मेंढी हो गई हैं? दोनों की हो गई? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये प्लेट आपकी बड़ी मजे की है आमिर, ये प्लेट आपकी बड़ी मजे की है। कितने वार्ड वाली है? 580 585 माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी जबरदस्त हो गया। बैटरी देख लेता हूँ और वीवर इसको बना रहे हैं माशाल्लाह। और दूसरा ये है, ये चल रहा है। और पानी वाला निज़ाम नहीं है? अच्छा वो फिर इतनी जो हवा दे रहा है इतनी भी नहीं देगा, स्लो हो जाएगा ना। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब्बू जान कैसे हैं? अच्छे। गर्मी तो नहीं है ना ज्यादा? नहीं, बस अल्लाह मेहरबानी करे, बच्चे की मोहब्बत है, मैंने मेरे पास पंखा चला दिया है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह वीवर, अब्बू जान के ऊपर पंखा चल रहा है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है ना, इस वजह से गर्मी भी इधर है। और ये चेक करें, नाइट के टाइम ऐसा माहौल होता है, मुर्गियों का ये बैठी हैं और कुछ कुछ वो बैठी हैं। चेक करें हैं और कुछ कुछ वो बैठी हैं। और इधर आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओ मेहरान, गर्मी है क्या? सिर पकड़ा हुआ है? अच्छा किवे बुआ जमाला, गर्मी है ना? हाँ कोई नहीं, आदत पक वैसी या बड़े खुश हूँ या आदत पक वैसी। मौसम माशाल्लाह डिटेल में लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बन गई वीडियो? हाँ बन गई। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। गर्मी शर्मी है पोजीशन गर्मी कर मार तो मर ही बैठे आप उधर, वो थोड़ा सा आगे वाला चार पाई पे बैठ जाओ ना। इतने गर्मी से बैठे उठ दिया के दवा घर आ के। अच्छा पसीना पद जाता वहां तक। चलो अल्लाह खैर करेगा। वो देख वो दूसरा बना रहे हैं ना, आप ना उस पे फ्रंट पे सो जाना ठीक है। फिर भी अगर हवा ना लगे ना तो मुझे बताना, तो क्या करेंगे? नहा लेंगे। मैं पता है किधर जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ बिजली पे, मैं उधर जाके सो जाऊंगा ठीक है, सुबह सुबह आ जाऊंगा। वो है वो वाली बस्ती नहीं है, वो वाली दूर वाली उधर है छत के ऊपर, बंदा सोता है पंखा लगा के और चारपाई लगा के दो चारपाइयों पे सो जाएंगे। मजा मैं तो करूँगा मौज है। देखते हैं अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हवा आएगी, हवा आएगी, घबराएं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आएगी आएगी इंशाल्लाह। दुआ मखो दुआ मखो। आपको तो गर्मी नहीं लगती होगी है ना?
लगती है। वाह कमाल हो गया, आपको भी गर्मी लगती है। नाइट का व्यूअर ये कुछ पोजीशन है, बकरे बकरे इधर बैठे हैं, कुछ बकरियां शकरियां उधर बैठी हैं, और ये गर्मी की वजह से बड़े सर वाली कुत्ती को देखें बेहोश पड़ी है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। और हो गया वीडियो, वीडियो आपका हो गया जी। इतनी गर्मी में दोनों दूल्हे मारना चाहते हो, क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे नहीं हो सकती थी। आपको एक बात बताऊं, आपकी शादी अंग्रेजी की कौन सी डेट को बन रही है? अंग्रेजी की दो को चार, तीन चार, तीन चार। खुशखबरी है आपके लिए, यक्कुम सेना बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, पहली दो तीन चार डेट तक जोर की बारिश है। हम दुआ मांग रहे हैं, जोर की ना है। जहाँ पर आ रही है वो अल्लाह पाक की मर्जी से आएंगी, लेकिन ये है कि यक्कुम से मौसम ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूं जैसे हमारे ये लोग फंक्शन करें या अपना कपड़े पहने ना, कोई कुछ चीज ना बिल्कुल तंग ना करे इंशाल्लाह। हम खबरें तो ऐसे आ रही हैं, बाकी अल्लाह पाक की जात बेहतर जानती है, ठीक है। हम आइडिया लगा सकते हैं, जो हमारे आइडिया के मुताबिक बोल रहे हैं कि यक्कुम से बारिश होने हैं। देखिए ये आप कह रहे हैं कि शादी इतनी गर्मी में आपने क्यों रखी? हाँ। सिर्फ हमने नहीं रखी, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मजाक नहीं, बस क्या कहें। चलें जी, आपको शादी एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक आपके शादी पे सर्दियां बनाए और माहौल ओके हो जाएगा, ठीक है। माहौल ठंडा थी इंशाल्लाह इंशाल्लाह।